के बीच में समानता और स्वतंत्रता की बात आप करते हैं तो इतना बात जरूर आप रखें कि हमको ऐसा समीकरण बनाना है जहां लोग के बीच में बिल्कुल मानवता वाली बात हो। यह है श्री श्री संकट मोचन मंदिर समिति के द्वारा बस स्टैंड में निर्मित एक पानी का टंकी। कब बना था भैया? ये 15 साल हो गया भैया, 15 साल। पानी इसमें कभी आया? आया है, पानी आया है, 5 साल लगभग आया है, 15 साल को बीच में, उसके बाद नहीं आया। उस समय पानी कहाँ से आता था? उस समय तो आपका पीने वाला पानी कनेक्शन था, यहाँ पे जल गिरता था इस पे और उसके बाद सबका निकास होता था, जितने भी जनता थे सबका निकास होता था, जो भी पब्लिक आते। तो आप लोग कभी इसके लिए आवाज नहीं उठाए? आवाज कितना बार उठाए, लेकिन आवाज को क्या है, कोई सुनने वाला थोड़ी ना है, कोई ऐसा लगता है। इससे पहले आपके पास तो बिना बहुत राजेंद्र कलम में 5 दिन अमरानंदन में बैठे पानी का लेके, समझे? उसमें भी आपको कोई एक बात हाँ। ये पानी जो अभी बंद पड़ा हुआ है इसके लिए तत्काल आपके बगल में है कार्यपालक महोदय, कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया? एप्लीकेशन वगैरह क्या, हम लोग अनशन में बैठे हुए थे 5 दिन, आपका विनोद गोस्वामी जी बैठे हुए थे, हम थे, नित्यानंद मुखर्जी थे, समझे? 5 दिन ही लगभग बैठे हुए थे, भूखे प्यासे बैठे, लेकिन कोई मतलब निर्णय नहीं निकला गया। एप्लीकेशन डायरेक्ट कहिए कि जान दे देना है महोदय, मेरा कहना है खुले मंच पे, आप डायरेक्ट एक काम करिए कि नगर निगम वार्ड 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के आदमी को अगर तकलीफ है तो जान दे दे। यही ना है? हाँ, बस यही कगार पे हम लोग हैं और क्या। यहाँ बस अड्डा है, ये देखिए बस अड्डा है, बस अड्डा का साफ सफाई आप पूरा देखिए नजदीक से। अगर इंसान यहाँ पर होटल, अगर यहाँ होटल नहीं हो तो मर जाएगा। अगर होटल वाले का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ, ताकि यहाँ पर कोई भी आदमी आता है तो कम से कम उन्हें आधा गिलास पानी वो पिलाते हैं। लेकिन ये बना था किसी पैसे से, किसी का पैसे से बना था, नगर निगम का विभागीय पैसा लगा होगा। सिस्टम नहीं है भैया, नहीं लगता ये एक समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो बहुत बड़ा समस्या हमको लग रहा है। पकड़ेंगे जी, ये अभी इसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ तो कदम होनी चाहिए। क्या करेंगे हम लोग मिलजुल कर, अगर करना चाहे तो इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम लोग सबको, कल हमारा परिवार भी उतरेगा, किसी का परिवार उतरेगा, हम लोग सबके साथ समस्या, ठीक है? तो हम लोग यहाँ उतर कर एक कार्यपालक महोदय से निवेदन करेंगे, महोदय विभागीय स्तर की बात नहीं करें, कानूनी बात नहीं करें, बस मानवता की बात करें, क्योंकि जितने भी कानून बने हैं उसका प्रावधानिक सिस्टम यही है कि हमें देना चाहिए जल ही जीवन। अभी नगर निगम में तुरंत 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आया था, आप फ्री में कनेक्शन लें। तो यहाँ तो लोक कल्याणकारी बात, यहाँ तो आम जनता की बात है। अंततः मेरा आपसे यही निवेदन है, जब आप इस गेट से घुसते होंगे महोदय, नगर निगम के अधिकारी चाहे जिस लेवल के अधिकारी रहते होंगे, एक बार गाड़ी से शीशा उतार कर दोनों तरफ कचरा देख लें, और उस दिन जरूर याद करें जिस दिन आपके भवन या कक्ष में बिस्लेरी का पानी नहीं रहेगा तो आप यहाँ भवन में किस तरीके से अपना काम करेंगे।